सभी किसान बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान बदलते भारत की शान। भरे खेतों के बीच बहती हवाओं की सरगम मानो धरती खुद से बातें कर रही हो। नदियों का शांत प्रवाह, पेड़ों का झूमना और मिट्टी की सौंधी खुशबू, ये सब हमें प्रकृति के अनमोल उपहार की याद दिलाते हैं। पर आज इस शांत आंगन में एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों की आंधी ने खेतों की कोमल मिट्टी को जहरीला बना दिया है। उपभोक्तावाद के इस युग में अधिकतर किसान जहरीले रासायनिक खाद और दवाओं के छिड़काव के माध्यम से अधिक पैदावार करने की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। लेकिन इसी धारा के विपरीत खड़ी हैं एक ऐसी किसान जो कभी रसायनों का सहारा नहीं लेती। उन्होंने प्रकृति की गोद में जैविक खेती के बीज बोए हैं और अपने खेतों में हरियाली का एक नया अध्याय लिखा है। इनका नाम है विद्या बाबूराव रुद्राक्ष। मैं 25 साल की थी तब से मैं ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ। 1997 से हमने ऑर्गेनिक खेती का शुरुआत किया। मेरे पति को सरकारी नौकरी थी, जो नौकरी थी वो कोंकण में थी और मैं यहाँ मराठवाड़े में थी, तो वहाँ का जो हवामान था वो मुझे रास नहीं आया और यहाँ आके बसे हम। पहले 2-4 साल मैंने रासायनिक खेती की, नफा तोटा ये सब देखने के बाद किन किन गोष्टियों में हम अपना खर्च कम कर सकते हैं उस पर विचार करके हमने ये खेती का शुरुआत की। शुरुआत में खेती के क्षेत्र में महिलाओं के लिए चुनौतियाँ कम नहीं थी, लेकिन विद्या जी ने अपनी सूझबूझ और नई तकनीकों के साथ इन सभी बाधाओं को पार किया। ज्यादा दाम मिले या ना मिले, लेकिन जो हमारा ऊपर जो खेती के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, इसलिए हमने ऑर्गेनिक खेती का जो शुरुआत है वो इसी बेसिस पे की। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इन ऑर्गेनिक खेती में मैं किस किस का उपयोग करती हूँ और क्या क्या मैंने इसके लिए यूज़ किया है। गोमूत्र जमा किया है कीटनाशक के लिए। रोज़ सुबह मैं इसका गाय का गोमूत्र लेकर इसमें भर देती हूँ। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि कीटनाशक के लिए, जैसे कि संप्रेरक के लिए, ड्रिंचिंग करने के लिए। वो जो पुराना होता है ना गोमूत्र, उसके जी मेडिसिनल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ताज़ा गोमूत्र है वो हम रख देते हैं और पुराना गोमूत्र उस लाकर उसको हम छिड़काते हैं कीटनाशक के तौर पर, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। हम पूरा साल ये गोमूत्र इकट्ठा करते रहते हैं, पुराना निकालते हैं, ताज़ा जो है वो भरकर रख देते हैं। हमारे पास गाय बैल होते थे, गाय बैल का तो दूध है, गोबर है, हम गोमूत्र का भी यूज़ करते थे, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल आया कि वो गोबर क्या, हम ऐसा गोबर ग्लास प्लांट बनाए, तो हमने 2000 साल में हमारा प्लांट बनाया। इस प्लांट्स के वजह से क्या हुआ कि हमारा जो LPG गैस का जो खर्चा है वो शून्य हो गया है। हम उसका सब्सिडी भी नहीं लेते और वो गैस भी नहीं लेते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है कि जो मेरा जो LPG है और किसी को यूज़ हो और मैं गोबर गैस का उपयोग कर लूँ। जो हमारा गाय का गोबर निकलता है इस हौद में, छोटा सा हौद है, यहाँ हम डालते हैं, फिर उसमें पानी का घोल मिलाकर इसमें छोड़ देते हैं, तो फिर ये ऐसे डोम में जाता है, डोम बनाया है यहाँ पे, तो और उस डोम में हमारा गैस तैयार होता है और जो वेस्टेज है वो
आगे निकलता है और उस वेस्टेज के सामने हमने अपना जो रॉ मटेरियल होता है जो खेत में गाय खाती हैं या जो पत्ता वो सब गिरता है वो उसमें खड्डे में डाल दिया है और वेस्टेज उसके ऊपर जाकर गिरता है, तो बहुत अच्छे अच्छी तरह केंचुओं का खाद तैयार होता हो जाता है यहाँ पे। और केंचुओं भी बहुत अच्छे काम करते हैं कि जो हमारा पूरा वेस्टेज है उसका खा के अच्छा खाद निकालते हैं, तो वो आज भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। दो गाय और दो बैल के ऊपर हमारी पूरी ऑर्गेनिक खेती है। पहले जो मैं खेती करने आई थी आज जैसी परिस्थिति है खेती की वैसी नहीं थी, बारिश बहुत कम होती है, तो फिर पहले सोचा कि हम पहले अपना खुद का पानी बढ़ा लें, इसलिए हमने तुषार सिंचन या ठिबक सिंचन का उपयोग करने का सोचा कि अपना खुद का पानी जो है बारिश का लोगों के खेती में ना जाए, अपनी जो मिट्टी है वो भी उसके साथ ना बह जाए। हमारे जो बांध है उस पर हमने नीम जैसे पेड़ लगाए ताकि नेचुरल पद्धति से कीट औषधि के लिए भी उसका उपयोग हो जाए और पक्षियों के बैठने के लिए भी उसका थांबा हो जाए। हमने छोटे छोटे बांध बना कर हमने हमारी खेती को एक ऊपरी लेवल तक ले आए। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफको नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ, मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देख कर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदे। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS के ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदे BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS, इंस्पायरिंग क्वालिटी। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफको नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 ml नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफको नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। भारत की फार्म लेडी, ये हल्दी के पौधे हैं। हमने इसे जून महीने में लगाया, मई महीने में भी लगा सकते हैं और पानी अवेलेबल नहीं तो बारिश के बाद भी लगा सकते हैं। हल्दी को भी हमने कुछ नहीं रासायनिक खाद नहीं डाला है, सिर्फ हमारे यहाँ जो कंपोस्ट खत या केंचुओं का खत बनता है वो पहले इसका बेड तैयार करने से पहले हमने इसे भर दिया था। इसको हमने बेड पर लगाया है, बेड पे लगाए ताकि उसके जो नीचे के कंद होते हैं वो उनको ज़्यादा स्पेस मिले और ज़्यादा बड़े हो। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है और उसमें कोई रोग का भी नामो निशान नहीं है। इस साल हल्दी का भी हमारा जो उत्पादन है अच्छी तरह निकलेगा। पहले खेती में एक ही पिक ऐसा ही लेते थे, तो हमने सोचा ऐसा न करके हम मिश्र खेती या अंतर पिक पद्धति का अवलंबन करें। ये हमारा सोयाबीन का प्लॉट है, इसके लिए हमने वो रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किया है। उसके जो पत्ते हैं जो नीचे गिर गए हैं उसका जो आच्छादन और उसका जो मल्चिंग वो ज़मीन के लिए हमारे बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जो सेंद्रीय कार बोलते हैं वो बहुत बढ़ जाता है अब हमारे ज़मीन का। और ये जो दिखते हैं पेड़ आम के, ये 150 है
केशराम, ये सोयाबीन के खेत में एक बोनस आम का हमको उत्पादन मिलता है। हम ऐसी खेती करें, मिश्र खेती करें, एक 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 पिक गया तो दूसरा तो आना ही चाहिए। हमारे गांव में जो बचत गट है उसमें उसके माध्यम से मुझे एक बार मुंबई जाने का चांस मिल गया। पहली बार मैं छोटे छोटे पैकेट बना कर ले गई थी, जो जो हमारे स्टॉल में था वो ही दूसरे के स्टॉल में था, तो मुझे लगा कि मेरा उत्पादन जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरा पैकिंग है लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग आँखों से खाते हैं, कुछ अंदर के पैकेट में जो अंदर है उसको खाते हैं। हमारा एक अच्छा हल्दी का पैकेट कैसा बन जाए उसको हमने अभ्यास किया और हमारे बिकने की पहली शुरुआत 2014 में हो गई। लोग अब प्लास्टिक में खाना नहीं पसंद करते, तो हमने एक कागज़ का ऐसा सब हमने उसमें लोगो डाल के उसके नंबर डाल के लोगों को हर इस मेरे गांव में मालूम है कि मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूं, लेकिन हम जब बाहर बेचते तो लोगों को कुछ प्रमाण देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमने ऐसा उस पर लिख डाल के लोगों को एक तसल्ली दी कि नहीं, हम सच में ही ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं। हल्दी, गेहूँ, ज्वारी, तुअर, चना, मूंग, ये सब हम बेचते थे। मुंबई IIT के डॉक्टर घोष थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उन्होंने मेरी हल्दी की जांच की मुंबई में। उन्होंने कहा कि आपका जो टर्मरिक है उसमें ज़्यादा मेडिकल वैल्यू है और वो जो कैंसर पेशेंट के लिए जो कुरकुमिन का जो प्रमाण है वो ज़्यादा है। नागालैंड में मेरा जो उनका जो हॉस्पिटल था उसको रिकमेंड कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं महाराष्ट्र में और नागालैंड में मैं मेरा हल्दी बेच रही हूँ। उसमें पैसे का कुछ नहीं था, लेकिन समाधान था कि जो मेरा जो रास्ता जो चल रहा है कठिनाई का वो बहुत अब सरल होने जा रहा है और मुझे बहुत खुशी हो गई। हाँ, मैं गांव में नई आई थी तो मेरे यहाँ काम करने के लिए लोग झिझक रहे थे कि क्या है कैसे है, क्योंकि मैं यहाँ नई खेती शुरू की थी। फिर लोगों ने मेरे तौर तरीके से वो प्रभावित हुए और मेरे साथ काम में जुड़ गए। हमने बहुत से ऐसे प्रयोग किए कि जैसे गन्ने की खेती रहती है तो उसमें हमने पाचट हो रही थी गन्ने की, तो वो हमने खेती में उस गन्ने के खेत में डाल दी थी। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, जब उस काटने का समय आया तो लेबर ने कहा कि इनका हम गन्ना नहीं काटेंगे। लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये पाचट इसका खाद होता है और अपने ज़मीन को वो क्या करते थे कि गन्ना गया कि उसको सुलगा देते थे, तो फिर वो जल जाता था, कुछ भी नहीं रहता था। विद्या जी का मानना है कि महिलाएं खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने अपने गांव और आसपास की 180 महिलाओं को जैविक खेती सिखाई है। विद्या जी की भविष्य की योजनाओं में अधिक से अधिक महिलाओं को कृषि की आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाना है। हमारे गांव में जो नदी का पानी जो कम था, तो नदी का सब गांव को इकट्ठा कर हमने वह नदी पे जाके श्रमदान किया। ऐसा हम बहुत से काम करते हैं जो गांव में जाकर लोगों को उत्साहित करते हैं। हमारे यहाँ जो शौचालय है वो बनाने के लिए भी हमने गांव में जाकर लोगों को समझाया कि शौचालय कितना उपयुक्त है हमारे लिए। मैं अब 57 की हो गई हूँ, थोड़ा सा काम कम किया है मैंने, लेकिन मैं एक काम करती हूँ कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, अपने खेती के बारे में जो जो भी मेरे हाथ से चूक हो गई तो अब इन महिलाओं के हाथ से ना हो और वो अच्छी तरह से मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से खेती करें। मेरे पहले मेरे पिताजी इस खेती में थे, ऑर्गेनिक खेती करते थे, लेकिन उनकी खेती मुझे कभी रास नहीं आई, मैं उनको गलत ठहराती थी। लेकिन जब मेरी खुद की बारी आ गई और मेरे मुँह से कुछ ये हिसाब किताब का हो गया तो मुझे मेरा एहसास हो गया कि नहीं, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मैंने उनको फॉलो किया। उस समय सुभाष पालेकर की जी यहाँ उनके बहुत से कार्यक्रम होते थे, तो मैं उनके कार्यक्रम को भी जाने लगी, देखने लगी। वहाँ उस समय 2000 को कार्यक्रम के लिए सिर्फ पुरुष रहते थे आया उनको सुनने के लिए, लेकिन मैं अकेली महिला वहाँ जाकर एक साइड बैठती थी और उनको सुनती थी, उनको प्रश्न पूछती थी। वो भी मेरी डेयरिंग थी कि उन सब लोगों में जाके अपना सुनना, अपना कहना मानना,
वो भी मेरी तरफ से खेती के लिए एक बड़ा योगदान है। पालेकर सर यहाँ हमारे डिगुड़ाम्बे में आए घर में, तो हमने हमारी खेत की एक फेरी की। रात को जब खाना खाने बैठे तो मेरे पिताजी को बोले कि विद्या जैसा एक लड़का मुझे होता तो बहुत अच्छा होता। वो भी मेरे लिए एक सर्टिफिकेट था। अब तक तो मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था, लेकिन पालेकर जी का एक मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। इस तरह हमारे यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे भी मैं जुड़ गई। वहाँ कभी बुलाते थे और बहुत से वैज्ञानिक वहाँ आते थे तो मैं यहाँ सुनने के लिए जाती थी। कभी उनके साथ भी कभी मैं बोली नहीं, फिर सिर्फ सुनती थी। वो जो कभी बोल रहा है उसको मैं सुनती थी। कभी टोकती नहीं थी, ऐसा है वैसा है कुछ, मुझे टोकना नहीं था, मुझे खुद कुछ कर दिखाना था। तो मैंने उनकी सारी बातें शांत ध्यान से सुनती थी। आज वो जैविक खेती की ध्वजवाहक हैं और उनके काम को पूरे भारत में सराहा जाता है। जब मैं ऑर्गेनिक खेती कर रही तो और मुझे जीजा माता कृषि भूषण मिला। केंद्र सरकार ने मुझे ऑर्गेनिक खेती करनी, वुमेन्स ऑफ इंडिया में ऑर्गेनिक खेती वाली करने वाली महिला दिल्ली में और मुंबई में और अहमदाबाद में मुझे आमंत्रण दे दिया और मैं वहाँ गई। जूही चावला जी उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी। उन्होंने सब ये पूछा कि आपके हल्दी में क्या विशेषता है, आप क्या करती है। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तरफ से वो मेरी एडवर्टाइज ही हो गई। देर से ही सही, लेकिन मैं एक अच्छे मार्ग पे चल रही हूँ। विद्या बाबूराव रुद्राक्ष की कहानी हर उस महिला के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सफलता दिलाई और अब वो महिला किसानों के लिए एक आदर्श है। ये संदेश है कि अगर मन में विश्वास हो तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। मैं यहाँ मेरे गांव में आई थी तो कभी बाहर नहीं गई, ऐसा ट्रेन में या कहाँ कहीं नहीं जाने का, तो ऐसा ही मोटरसाइकिल पे जाने का आने का। तो पहली बार मुझे 8 मार्च 2014 को जागतिक महिला दिन, उस दिन में मुझे मुंबई में साढ़े नौ के बाद में मुझे बुलाया गया। तो मैं पहली बार एसी ट्रेन में बैठी, जो मुझे बहुत एसी ट्रेन देखती थी तो मुझे लगता था कहीं रंगीत कांच के पीछे क्या होगा, मुझे ऐसा देखना चाहती थी। तो मुझे बहुत, जो मैं अंदर गई तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि वाह हमने एसी देख लिया। इस हल्दी की वजह से मुझे बहुत घूमने का भी मौका मिला ऑर्गेनिक खेती की वजह से। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं भारती ईशान। किसान साथियों, इफको नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार।
भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। विद्या जी के उत्कृष्ट कार्य में अंबाजो गाई कृषि विज्ञान केंद्र का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। मेरा जो ऑर्गेनिक खेती है इसका प्रचार और प्रसार के लिए मुझे हमारा जो केवीके उसका बहुत साथ मिला। उसके माध्यम से भी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली और आगे जाने के लिए प्रोत्साहन मिल गया। मुझे ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र छोड़कर हर क्षेत्र को पुरस्कार मिलता है, जैसे कि अभिनेत्री को मिलता है, डॉक्टर को मिलता है, महिला डॉक्टर इंजीनियर को मिलता है, हर जो काम करने वाली महिला है, बैंक वाली हो या और कोई हो, पहली रेलगाड़ी चलाने वाली हो, पहली विमान चलाने वाली हो, लेकिन जो हम काम करते हैं उस काम को उतना सराहा नहीं जाता जितना चाहिए। लेकिन मुझे एक खुशी होती है कि हमारा जो दिल्ली का महिला किसान दिवस होता है वहाँ पे मुझे आमंत्रण आया कि आप आ जाइए 2 दिन पहले। तो मैंने कहा कि मैं बहुत महाराष्ट्र में रहती हूँ और रेल से तो 2 दिन लगेंगे, मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप क्या के विमान का टिकट कर दीजिए। मैं पहली बार विमान में बैठी हूँ उनके कारण। तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि चलो मुझे ऐसा भी एक मौका मिला कि विमान में जाकर उस सम्मेलन में मैंने भाग ले लिया। मुंबई में मुझे तनुजा मैम मिली, काजोल की माँ, उन्होंने मुझसे वो सामान सब ले लिया और एक फ़ोटो खिंचवाई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिन लोगों को मैं देख नहीं सकती थी वो उनको मैं सामने देख लिया। जूही चावला आ रही आपके स्टॉल में, ऐसा हमको बोला गया, तो हमने हमारा स्टॉल इतना अच्छा लगाया। विद्या जी कृषि की पढ़ाई कर रहे छात्रों का भी मार्गदर्शन करती हैं, साथ ही ऑर्गेनिक खेती के महत्व को भी समझाती हैं, ताकि भावी पीढ़ी गांव-गांव जाकर रसायन रहित खेती के महत्व को समझा सके। हमारे जो किसान है ना, काम बहुत कुछ करता है लेकिन खाता पीता बहुत कुछ अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो खेती में अधिक सा डाल रहे हैं उसकी ज़रूरत हम खेती की कम करें, हमारे ये सब ऑर्गेनिक खाद वो डाल के, तो बचने वाला पैसे का हम बच्चों के लिए, हमारे खुद स्वास्थ्य के लिए उसका उपयोग करें। मुझे ऐसा लगता है कि जो खेती का जो उत्पादन निकलेगा वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब हमारी बारिश कैसी है, हमारा वातावरण कैसा है, हमारे यहाँ कभी कभी तो ओले भी गिरते हैं, कुछ भी ज़्यादा बारिश होती तो भी जाता है, नहीं होती तो भी जाता है, ओले भी गिरते हैं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। और फिर जब हमारे उत्पादन हमारे घर में आता है तो उसको जो बाजार का भाव मिलता है वो भी हमारे हाथ में नहीं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं, लेकिन खर्चा करते समय इतना हाथ ढीला रख देते हैं कि फिर पछताना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आँख खुली रखकर उस पे सोच विचार करेंगे तो ये सब अपने आप बंद हो जाएगा और ऑर्गेनिक खेती और दूसरा कोई ये नहीं है कि वो बहुत अलग है, ये अलग इतना ही है कि आप उस पे आने वाली लागत को कम करें और अपनी परिस्थिति को भी सुधारें। जो कुछ हाथ नहीं है हमारा तो उस पे ज़्यादा खर्चा करके कौन सी होशियारी इसमें दिखती है, मुझे ऐसा लगता है। हमको सरकार से एक दरख्वास्त है कि हमको अनुदान तौर पर जो छोटा छोटा रुपया मिलता है वो ना मिले, लेकिन जो हमारा उत्पादन मिलता है उसे बराबर बराबर उसका भाव मिले और हम उस भाव में खुश रहेंगे। क्या होता है कि भाव तो नहीं मिलता और फिर अनुदान छोटा मिलता है तो लोगों को लगता है कि बहुत खेती करने वालों को बहुत पैसे मिल रहे हैं। हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारे खुद का कष्ट का पैसा चाहिए, ऐसा ही मुझे लगता है। मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, विद्या रुद्राक्ष किसी को मालूम भी नहीं था। मैं जब यहाँ आई थी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक तो 3 साल का था और दूसरा 5 साल का था, उनको कुछ समझ नहीं थी कि खेती क्या है क्या नहीं, लेकिन वो खेती में बहुत जल्दी घुल मिल गए। उनको बहुत अच्छा लगता था, जब कोई हमारे यहाँ मेहमान आता तो वो उनको सीताफल देते थे, आम देते थे, तो उनको बहुत खुशी होती थी। मैं मेरे बेटों को बोलती हूँ कि मुझे मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते, वो बोलते हैं कि आपको विद्या रुद्राक्ष करके जो लोग जानते हैं, हम जो कंपनी में नौकरी करते तो हमको कोई जानता भी नहीं, हम एक कीड़ा मुंगी सर के जैसे हम शहर में रहते हैं, आपकी अलग पहचान है,
आपने अपनी अलग पहचान आपने बनाई है तो वही काफी है। खेती के साथ साथ विद्या जी ने अपने परिवार का भी भरपूर ख्याल रखा, लेकिन उनके पति बाबूराव रुद्राक्ष ने उनका भरपूर सहयोग दिया। मेरे पिताजी जो मुझे उन्होंने ये मेरी सीख दी, और दूसरे मेरे मिस्टर है, उन्होंने मुझे हर बार इनक्रेज किया कि आपसे कुछ चूक भी हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आप डिसीजन ले लो। तो उन्होंने ये मेरी मुझको आज़ादी दी। उन्होंने मेरी हर काम में, घर में भी बहुत मेरी मदद की, हर कदम पर मेरा साथ दिया उन्होंने। मैं जब खेती में काम करके शाम को आती हूँ तो आप टीवी देखो, मैं बनाता हूँ कुछ खिचड़ी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं बाबूराव रुद्राक्ष, विद्या का पति। खेती का पूरा काम विद्या देखती थी, तो उसको मैंने सिर्फ सपोर्ट किया है, डायरेक्ट खेती के काम में मेरा कोई सहभाग नहीं है। उसके ऊपर छोड़ दिया मैं सब, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता था। बाद में सिर्फ उसको कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं खड़ा रहता था उसके पीछे। महिलाओं को प्रोत्साहन दे दूँ, पहली बात, पूरा स्वातंत्र दे दूँ उनको। अपन जो बोलते हैं वो ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत बोलो, पूरा स्वतंत्र दिया घर के महिलाओं को, तो बहुत आगे जा सकती हूँ। विद्याताई जो काम कर रही है फिलहाल ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उन्होंने निरंतर उस काम में खुद को झोंक दिया, तो हमें बहुत सब लोगों को उनके ऊपर अभिमान है, प्राउड फील करते हैं हम सब लोग उनके काम के और उनके योगदान के लिए। विद्याताई रुद्राक्ष जो है 1995 से, मतलब लगभग 29 साल से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी है, और वो वहाँ से ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। तो आज वो लगभग 16 तरीके के जो क्रॉप्स है उनके खेतों पे लेती है, और उसका उन्होंने खुद से एक मार्केट भी डेवलप किया है मेट्रो सिटीज़ में। तो वो उसके ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए और उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के जरिए जो उनका उत्पाद है, ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस है, वो उनका बेचती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी क्वालिटी अच्छी हो, हमारे माल की गुणवत्ता अच्छी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई पिछड़ नहीं सकता। एक महिला जिसने अपने जज्बे और मेहनत से एक छोटे से गांव में रहकर भी अपनी एक विशेष जगह बनाई है, और आज वो भारत की लाखों महिला किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। उनकी इस प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि महिलाओं की ताकत असीमित है। विद्या जी ने यह साबित किया है कि महिलाओं को अगर मौका मिले तो वो जहां हैं वहीं से अपने शौर्य और गरिमा की आभा बिखेर सकती हैं, और सिर्फ कृषि ही नहीं, वो किसी भी क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं। डीडी किसान चैनल भारत की इस फार्म लेडी विद्या बाबूराव रुद्राक्ष के जोश और जज्बे को सलाम करता है। कार्यक्रम के प्राय